like you. Be strong to hold the power. Hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे फोन के अंदर क्या है। तो जो फोन मैं यूज कर रहा हूँ वो है OnePlus 5T। और देख सकते हो आप लोग, मैं फोन ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं रखता हूँ और मैंने इस पर टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं लगवा रखा है। मजाक कर रहा हूँ, अभी अभी टूटा है वीडियो शूट करने से पहले। फोन के पीछे काफ़ी स्क्रैचेस हैं, तो हम एप्लीकेशन में बढ़ लेते हैं डायरेक्ट के कौन कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ, किस तरीके की होम स्क्रीन है। तो ये होम स्क्रीन मैंने इंटरनेट पे देखी थी और मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आई। मैंने ओरिजिनली ये होम स्क्रीन क्रिएट नहीं करी है, अगर आप में से किसी ने करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसे क्रेडिट देना पसंद करूंगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं एक विजेट है बैटमैन का, हाफ राइट साइड में और बॉटम में भी है हाफ लेफ्ट साइड में। तो ऊपर की तरफ ब्लैक कलर का विजेट है, नीचे की तरफ गोल्डन कलर का विजेट है, जिस तरीके का आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने डिवाइस के लिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहली एप्लीकेशन है डायलर, जो कि मैं फ़ोन कॉल्स के लिए यूज़ करता हूँ। सेकंड एप्लीकेशन है मेरे पास इंस्टाग्राम, अगेन बहुत एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये रहा मेरा यूज़र हैंडल इंस्टाग्राम पे, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और आप लोग मुझसे कभी भी कहीं भी बातें कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लाइफ एंड डेथ आर इल्यूजंस, वी आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सो आई डिसाइड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ चाहे कुछ हो जाए। आई होप आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा छोटी सी झलक देख के मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूट्यूब, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वीडियोस देखने के लिए। उसके बाद है क्रोम ब्राउज़र। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा ब्राउज़र यूज़ करता हूँ पर्सनली, ओपेरा FX कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा ब्राउज़र्स यूज़ नहीं करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र मुझे बेस्ट लगता है, इस पे मैं जनरली ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाना पसंद करता हूँ। वहाँ पे मैं अपना जो सब्सक्राइबर काउंट है वो बहुत ज़्यादा चेक करता रहता हूँ, मतलब फ्रीक्वेंटली दिन में 10-20 बार चेक कर ही लेता हूँ और अभी भी कर ही रहा हूँ आप सभी के सामने। तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसके बाद है स्टूडियो एप्लीकेशन। इस फ़ोन में मैं अपनी व्लॉगिंग वाली आईडी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं वो वाला चैनल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है जहाँ से मैं अपनी वीडियोस मैनेज कर सकता हूँ, कुछ एडिट करना है तो वो भी कर सकता हूँ और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का भी रिप्लाई कर सकता हूँ। बाय द वे, ये चैनल मोनिटाइज नहीं है बिल्कुल भी, जो लोग सोचते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई वाह वाह दोनों चैनल से पैसे कमा रहा है। नहीं भाई, ये चैनल मोनिटाइज नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है ऐप ड्रॉअर। ये थी मेरी कंप्लीट होम स्क्रीन, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। इसके अंदर मैं जाता हूँ ऐप ड्रॉअर में, मैंने स्वाइप अप वाले जेस्चर यूज़ किया ऐप ड्रॉअर में जाने के लिए। तो फर्स्ट लाइन फ्रीक्वेंटली ऐप्स वाली है, जो कि अभी आपने देखी ही। उसके बाद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। पहली है ऑल्ट बालाजी। अब ऑल्ट बालाजी एप्लीकेशन बेसिकली एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। जैसे बोस डेड और अलाइव मैंने सीरीज़ देखी थी, इस पर वेब सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी थी, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ देखिए एक बार। तो दोनों में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद यहाँ पे और भी एप्लीकेशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, पूरा फ़ोन मैंने खोल करके रख दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन है चिलर एप्लीकेशन। चिलर एप्लीकेशन एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे मेरे पास फेसबुक। हाँ, मैं फेसबुक कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, महीने में एक दो बार, हाँ इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास और एप्लीकेशंस हैं, जैसे फूड पैंडा, जब कभी कभी बाहर से मंगाने का मन करता है तो फूड पैंडा से ऑर्डर कर देता हूँ, अदरवाइज़ मम्मी मंगाने नहीं देती। इसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे हैंड शेकर, मैं जब भी एप्पल से अपने कंप्यूटर से पेयर करता हूँ तो हैंड शेकर यूज़ करता हूँ। उसके बाद नाइफ हिट काफ़ी मेरे को पसंद है, काफ़ी एडिक्टिव गेम है, मैंने एडिक्टिव गेम्स वाले एपिसोड में भी दिखाई थी, आप लोग चेक कर सकते हैं, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है गेम। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर है, ट्विटर भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इंस्टाग्राम से पहले मैं ट्विटर पे ही ज़्यादा एक्टिव रहा करता था, लेकिन फिर अब मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, लेकिन ट्विटर पे भी एक्टिव रहता हूँ, मतलब दिन में 10 बार मैं ट्विटर पे एक्टिव जाता हूँ फ्रीक्वेंटली, और इंस्टाग्राम पे 50-100 बार चला जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी आपके ट्वीट्स का रिप्लाई दे देता हूँ, तो आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, हैंडल आप लोगों के सामने हैं। तो अभी मैं ट्वीट कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर ही सकते हैं, और आई होप ये ट्वीट आपको एक दिन पहले मिली होगी और वीडियो आई है आज, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले शूट कर ली थी और अगेन व्लॉग भी शूट करा है, तो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा दूसरे चैनल पे। तो काइंड ऑफ पैराडॉक्स चल रहा है अभी, मतलब वीडियो के अंदर ट्वीट, ट्वीट के अंदर व्लॉग, बहुत सारी चीज़ पैराडॉक्स में चल रही हैं, बट आप लोगों को मज़ा आएगा डेफिनेटली, इस चीज़ की गारंटी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा कंप्लीट डिवाइस OnePlus 5T। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आपके सामने मैंने खोल करके रख दिया है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, स्लो मोशन में देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। मेरा करेंटली सेटअप आप लोगों को मैंने दिखा दिया है।
तो दोस्तों आई होप आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा। मेरा नाम है प्रिंस। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो मैं रोजाना आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में।